दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्टाइलिश लड़कियों के लिए टॉप 50 एकदम स्टाइलिश नाम। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप नए दर्शक हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नाम मैं आपकी डॉल के लिए लेकर आई हूँ सुकृति। एंड सुकृति नाम की मीनिंग होती है गुड डीड। तो सुकृति नाम आपकी बेटी के लिए इस लेटर का बहुत ही स्टाइलिश सा नाम रहेगा। नेक्स्ट नाम है अनन्या। एंड अनन्या नाम की मीनिंग होती है गॉडेस पार्वती। अगला नाम पी लेटर का बहुत ही प्यारा और काफी स्टाइलिश सा नाम है प्रियल। एंड प्रियल नेम की मीनिंग होती है बिलव्ड। तो प्रियल नाम आप अपनी बेटी के लिए जरूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट नाम है केसवी। एंड केसवी नेम की मीनिंग होती है ब्यूटीफुल हेयर, यानी कि बहुत ही सुंदर बालों वाली एक प्यारी सी लड़की। अगला नाम मैं आपकी बेटी के लिए सी लेटर का बहुत ही इजी और काफी स्टाइलिश सा नाम लेकर आई हूँ चाहत। एंड चाहत नेम की मीनिंग होती है लव। तो चाहत नाम आप अपनी बेटी के लिए जरूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट नाम है अनोखी। एंड अनोखी नेम की मीनिंग होती है यूनिक, यानी कि सबसे नई। तो अनोखी नाम आपकी बेटी के लिए बहुत ही बेटर नाम रहेगा। अगला नाम है निमिता। एंड निमिता नेम की मीनिंग होती है मॉडेस्ट। नेक्स्ट नाम मैं लेकर आई हूँ रांची। एंड रांची नेम की मीनिंग होती है मॉर्निंग। तो रांची नाम वास्तव में आर लेटर का बहुत ही मॉडर्न और काफी स्टाइलिश सा नाम है। तो यह नाम आप अपनी बेटी को चाहे तो दे सकते हैं। नेक्स्ट नाम है वर्तिका। एंड वर्तिका नेम की मीनिंग होती है थॉट। नेक्स्ट नाम मैं आपकी डॉल के लिए सजेस्ट करूंगी नित्या। एंड नित्या नेम की मीनिंग होती है इटर्नल। अगला नाम बहुत ही प्यारा सा नाम है मानवी। एंड मानवी नेम की मीनिंग होती है रिस्पेक्ट। नेक्स्ट नेम इज रुचिका। एंड रुचिका नेम की मीनिंग होती है क्रिएटर। नेक्स्ट नाम मैं आपकी डॉल के लिए सजेस्ट करूंगी निपाशा। एंड निपाशा नेम की मीनिंग होती है ब्यूटीफुल गर्ल। अगला नाम मैं लेकर आई हूँ विहारिका। एंड विहारिका नेम की मीनिंग होती है मॉर्निंग, यानी कि सवेरा। अगला नाम मैं आपकी सुंदर सी डॉल के लिए लेकर आई हूँ आशवी। एंड आशवी नेम की मीनिंग होती है विक्टोरियस। तो आशवी नाम आप अपनी बेटी के लिए जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आशवी नाम एलेटर का बहुत ही स्टाइलिश सा नाम है। नेक्स्ट नाम है प्रख्याति। एंड प्रख्यात नेम की मीनिंग होती है फेमस, यानी कि मशहूर। अगला नाम मैं लेकर आई हूँ उन्नति। एंड उन्नति नेम की मीनिंग होती है प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज वंशिका। एंड वंशिका नेम की मीनिंग होती है वंश को चलाने वाली। अगला नाम मैं लेकर आई हूँ जित्यांशी। एंड जित्यांशी नेम की मीनिंग होती है विक्टोरी। तो जित्यांशी नाम आप अपनी बेटी के लिए चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट नाम है आरोही। एंड आरोही नेम की मीनिंग होती है म्यूजिकल टोन। तो आरोही नाम वास्तव में बोलने में ए लेटर का बहुत ही मॉडर्न और काफी स्टाइलिश सा नाम है। तो यह नाम आपकी बेटी के लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट नाम है कैरवी। एंड कैरवी नेम की मीनिंग होती है व्हाइट लोटस। नेक्स्ट नाम है मिस्टिका। एंड मिस्टिका नेम की मीनिंग होती है स्वीट पर्सन। तो मिस्टिका नाम इस समय का एम लेटर से बहुत ही स्टाइलिश और काफी न्यू सा नाम है। तो यह नाम आप अपनी बेटी के लिए चाहे तो सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नाम है सोनल। एंड सोनल नेम की मीनिंग होती है गोल्डन। अगला नाम है प्रियांगी। एंड प्रियांगी नेम की मीनिंग होती है ब्यूटीफुल बॉडी। तो प्रियांगी नाम किसी भी लड़की के लिए पी लेटर का बहुत ही सुंदर और काफी न्यू सा नाम रहेगा। नेक्स्ट नेम इज निकिता। एंड निकिता नेम की मीनिंग होती है परफेक्ट। अगला नाम है सूचिका। एंड सूचिका नेम की मीनिंग होती है कलेक्शन। तो सूचिका नाम किसी भी लड़की के लिए एस लेटर का बहुत ही खूबसूरत सा नाम रहेगा। नेक्स्ट नाम टी लेटर का बहुत ही स्टाइलिश और काफी मॉडर्न सा नाम है तृप्ति। एंड तृप्ति नेम की मीनिंग होती है सेटिस्फाइड। तो तृप्ति नाम वास्तव में हमें टी लेटर का बहुत ही न्यू सा नाम लगा। तो यह नाम आप अपनी बेटी के लिए जरूर ट्राई कर सकते हैं।
अगला नाम है दर्पण, एंड दर्पण नेम की मीनिंग होती है मिरर। अगला नाम मैं लेकर आई हूँ अमोली, एंड अमोली नेम की मीनिंग होती है प्रिक्यूअस। नेक्स्ट नेम इज अंशिका, एंड अंशिका नेम की मीनिंग होती है ब्यूटीफुल पार्ट। अगला नाम मैं आपकी डॉल के लिए लेकर आई हूँ ईशानी, एंड ईशानी नेम की मीनिंग होती है गॉडेस दुर्गा। नेक्स्ट नाम मैं आपकी डॉल के लिए वी लेटर का बहुत ही स्टाइलिश नाम सजेस्ट करूंगी वर्षिता, एंड वर्षिता नेम की मीनिंग होती है रैन। अगला नाम मैं आपकी नन्ही सी परी के लिए लेकर आई हूँ आहाना, एंड आहाना नेम की मीनिंग होती है फर्स्ट रे ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट नाम है जोशिका, जोशिका नाम बोलने में बहुत ही प्यारा सा नाम है और इस नेम की मीनिंग होती है यंग। अगला नाम है लोची, एंड लोची नेम की मीनिंग होती है स्वीट। नेक्स्ट नाम मैं आपकी डॉल के लिए सजेस्ट करूंगी कृतिका, एंड कृतिका नेम की मीनिंग होती है ब्यूटीफुल स्टार, तो यह नाम आपकी बेटी के लिए ठीक रहेगा। अगला नाम है हर्षिका, एंड हर्षिका नेम की मीनिंग होती है हैप्पीनेस, तो आप अपनी बेटी को हर्षिका नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट नेम इज पक्षी, एंड पक्षी नेम की मीनिंग होती है ब्यूटीफुल बर्ड, तो पक्षी नाम वास्तव में बहुत ही छोटा और काफी स्टाइलिश सा नाम है। नेक्स्ट नेम इज निवांशी, एंड निवांशी नेम की मीनिंग होती है क्यूट गर्ल। अगला नाम है गुनाची, एंड गुनाची नेम की मीनिंग होती है काइंड, तो गुनाची नाम अगर आप चाहें तो आप अपनी बेटी को दे सकते हैं। अगला नाम है कावेरी, एंड कावेरी नेम की मीनिंग होती है ब्यूटीफुल रिवर, तो कावेरी नाम आपकी डॉल के लिए काफी न्यू नाम रहेगा। नेक्स्ट नेम इज अन्निका, एंड अन्निका नेम की मीनिंग होती है गॉडेस दुर्गा। अगला नाम मैं लेकर आई हूँ रीतिका, एंड रीतिका नेम की मीनिंग होती है जॉयफुल, तो रीतिका नाम आपकी बेटी के लिए बहुत ही प्यारा सा नाम रहेगा। नेक्स्ट नाम है सेजल, एंड सेजल नेम की मीनिंग होती है प्योर वाटर। अगला नाम मैं आपकी सुंदर सी डॉल के लिए सजेस्ट करूंगी यशश्रुति, एंड यशश्रुति नेम की मीनिंग होती है फेमस, तो यह नाम आप अपनी बेटी को जो दे सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसे सबसे पहले देख सके। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।